सो बच्चे ओपन पेज नंबर 11 फ्रॉम योर बुक एंड योर नोटबुक ऑल्सो वेयर यू हैव रिटन ऑल दीज सेंटेंसेस. इस वीडियो में हम करेंगे अ नेगेटिव, हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, अ क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पीछे कर चुके हैं, अ नेगेटिव क्वेश्चन. ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी लास्ट वीडियो में आपको करवाया कि नेगेटिव क्या है आपका नॉट, क्वेश्चन आपका इंटरोगेटिव, पंक्चुएशन मार्क. ठीक है, उसको लगा के हमने जो सेंटेंस किए थे तो वो हम अब इस वीडियो हम तीनों को अप्लाई करेंगे. सी फर्स्ट सेंटेंस, यू फॉरगेट हिज नेम. ठीक है, इसका मीनिंग है कि तुम्हें उसका नेम भूल चुका है. तो फर्स्टली हमने क्या करना है, अ नेगेटिव में चेंज करना है. यू डिड नॉट फॉरगेट हिज, यू डिड नॉट फॉरगेट हिज नेम, कि तुम्हें उसका नेम नहीं भूला है. डिड यू फॉरगेट हिज नेम, तो यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव मीन्स अ नेगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है इसको, कि तुम उसका नेम नहीं भूल सकते. डिड नॉट यू फॉरगेट हिज नेम, अब हमने नेगेटिव भी कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया और नेगेटिव क्वेश्चन भी कर लिया. ठीक है, नेगेटिव था हमारा, सिर्फ हमने नॉट लगाना था. Did you forget his name? ये हमारा interrogative sentence हो गया. यहाँ पे हमने सिर्फ question mark, punctuation mark लगाना था. Did not you forget his name? कि तुम उसका name नहीं भूल सकते. ये negative question है हमारा. Did not, जैसे कि मैंने आपको did का use पहले बताया था कि हम past के लिए करते हैं, तो ये auxiliary verb है. ठीक है, तो उसके साथ हमने not लगाना है. ठीक है, और लास्ट में हमने क्या लगाना है, पंक्चुएशन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. ही डज नॉट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. डज ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, डज नॉट ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. ऐसे ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे जैसे हमने पहले तीन सेंटेंसेस की किया. तो आपका सिंपल सेंटेंस यहाँ पे क्या बना, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, मीन्स उसे बहुत सारा पैसा मिला. ही डज नॉट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, ये आपका फर्स्टली नेगेटिव में करना है हमने, कि उसको बहुत सारा पैसा नहीं मिला. डज के साथ नॉट लगाया हमने. ठीक है, डज ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, क्या उसको बहुत सारा पैसा मिला. लास्ट में हमारा क्या है, पंक्चुएशन. तो जब मैंने आपको बताया था कि हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लगाते हैं, तो लास्ट में इंटरोगेटिव पंक्चुएशन मार्क होता है आपका, तो वो आपका क्वेश्चन मार्क मीन्स अ क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो. डज नॉट ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है,